फ्रेंड्स, हम 11वीं का टॉपिक आज आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारा चल रहा था उसको हम थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अब एक नया टॉपिक चले गए हैं रासायनिक। टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे? इस टॉपिक में मैंने कल भी आपको बताया था, हम लोग सीखने वाले हैं कि जब अभिक्रियाएं होती हैं तो उनमें कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। और परमाणु भाग लेके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो जब वो उत्पाद बनाते हैं तो कौन कौन से नियमों की पालना होती है? तो उसमें पहला नियम है आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, कि खोजकर्ता या यह नियम, पहली लाइन को ले लिखी है, यह नियम किसने दिया? लेवो सीए या सीए बोलते हैं, सीए द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये लाइन लिखो, किया गया। अब देखो, कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम क्या लिखेंगे? लेवो सीए के द्वारा प्रस्तावित किया गया। फिर उसके बाद ये पूछ लेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का सही कथन कौन सा है? तो इसमें आपको क्या बताना है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया में क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान बनने वाले वाले उत्पाद, जिसको हम एक उत्पाद को क्या बोलते हैं, क्रियाफल भी बोलते हैं ना, क्रियाफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये नियम है।